E così? No, dire. फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद। दुआ है बारवा थोड़ा टूर आया कबूल फरमाए। बानियान दी सफे मातम विछाई खर्चा खराजात मासूम अपने दरबार च मंजूर मकबूल फरमाए। जितने कदम नवाब करबला दी सफे मातम ते चल रहे हैं हर कदम ते साईं सवीरा कबीरा गुनाह माफ। अली उन वली अल्लाह पढ़न वाले आंदे घर आबाद होवेन। अली उन वली अल्लाह पढ़न वाले आंदिया नस्ल आबाद होवेन। अली उन वली अल्लाह पढ़न वाले नु मौला हर तकलीफ तू महफूज फरमाए। और खुसूसी दुआ अली उन वलीउल्लाह पढ़न वाले दा मौला आपस च इतफाक फरमा। लंबी मजलिस नहीं पढ़नी क्योंकि जड़ा वक्त आ वो लेट कीता नहीं ते अगे दो मजलसा जाके पढ़निया। सैयदादा बैठे एक दो और भाई भी सख्ती ना आख्या जवाए मजमून अज जरूर सुनना। औलाद रसूल हैं पढ़ना कुछ और आई उन्होंने आखिर ते एक सतर तफसील नहीं खुतबा भी छोड़ दिता। नगासिबा नगासिबा दे मनन वाला जद खरायती अकबर दा बाबा लिखता है फिर परेशान ना होया कर। अकबर दा बाबा जो लिखता है परेशान तो बंदा तद होवे जो कोई दुनियादार लिखे। जद लिख दे साईं है फिर जो हिस्सा साईं लिख दे नो मिल दे। आदल अपनी पाक कलाम में इरशाद फरमाते हैं मैं गल शुरू कर दी थी कि मैं खालिक अपने बंदियां नु फरमाते हैं इम्तिहान घिनसा तुहाडा। हो सकता है हर मिजाज की मजलिस ना होवे लेकिन जेड़े मेरे डगर दे बैठे हो हुक्म है तो एक सतर पढ़न लगा। फरमाया मैं इम्तिहान गिनसा और इम्तिहान सख्त उसी। फिर फरमेंदन औखा औखा इम्तिहान फिर आदे जेड़ा सारे परचे हल कर सी मैं खुदा तुहाडे विच ऐलान पिया करना उहदी मर्जी मैं खालिक दी मर्जी बन जा सी। अल्लाह जिंदगी करे जिन्हों खुदा जुबान दिती है ते चौदह दे जिक्र च जुबान बुलावना चाहता है मेरी गल उस नाल है क्योंकि हर जुबान का काम नहीं चौदह दे जिक्र च बोले जियो। उसकी मर्जी में खालिक दी खुदा रिजक इजाफा फरमाई। आओ उसकी मर्जी खरीदी किस थोड़े जे वक्त औखे औखे इम्तिहान किसे नू आरे चराया साद मुक्की। कुरान पाक पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हो मैं मजलिस ही कुरान पाक च पढ़न लगे किसे जंगलों च गुजारी है हद मुक गई किसे दा कीमा कीता गया जर्जी सलाई सलाम हद मुक गई किसे नू आगे सटिया गया जद्दे अंबिया
अच्छा शाह जी आख्या ने तो 170 नज़र पे करदा अग मीलां च लगी आई एक हुद हुद नामी परिंदा झुंझ च पानी च आया है परवाज कीते परिंदियां पुछया किधे वेना है आदा जद्दे अंबिया नूं अग च सटिया तुसी सकून च बैठे हो मर्जी है तेरी अपनी तरले दी जाकरी हल भी कोल कोई नहीं दिल दी जाकरी है जमीदार जद्दे अंबिया को अग च सटे तुसी सकून च बैठे हो मैं पानी लेके बहंदा पिया उन्हें आख्या ये 4-5-7 कतरे अग मीलां च वो 5-7 कतरे इतना सफर करें अग बुझ सी साढ़े नाल गल्लां के करें दा भाई आबद गल करन लगा मैं तेरे सामने कोई अग बुझनी है इतना सफर करदा पिया अदा मैं भी जानना नहीं बुझनी अदा वल वहंदा क्यों पिया अदा अल्लाह नीयत मेरी वेख रहा है जवानी मान जड़े हाथ बुलंद है ना बात इन्ना ही टाइम लगता है जी बाबा बोलो जी वो चलो ठीक एक सलवात पढ़ो सारे मिलके बाबा अल्लाह सल्ले आला मोहम्मद एक गल हो ते मकसद ते आ गया किसी नु पत्थर मारे इतने का मारे अब्दुल गफ्फार नू भी सड़ते हैं ढेर लग गया खालिक फरमाया था सज्जन है कोई नहीं जब रेल पत्थर हटा अपने पर मस कर जाके दे जख्मत तो शफा मैं डेसा सवेरे वत तबलीग करनी जाकरी छड़ देंगा जे दिल पसलियां च ना तड़पे मैं चौका च जाकरी नहीं करदा मैं मसले ते मंगण वाला बंदा अल्लाह अकबर जनाब जबराइल आयन जवाना वो पत्थर हटाएन पर मस कीते नबी तरो ताजा इम्तिहान है ये भी मालूम हो गया नबी ते मुश्किल आ जाए एक फरिश्ता आन के पर मस कर दे मुश्किल आसान हो दी फरिश्ते ते आ जाए हुसैन दे पींगे नाल मस करे मुश्किल आसान जवानी माने जवानी माने जिना जिक्र ते बोलना है वास्ते ते बुलावन वाला जाकर नहीं जवानी न थोड़ी भी जिंदगी होवे थोड़े नाल ही बाहर आना बिस्मिल्लाह कर पढ़ लैन दियो हुसैन दा वास्ता जे पढ़ लैन दियो अगले डांगा लेके खलोते होने सड़क ते इन्ने बजे दा टाइम तो पहुंचे क्यों नहीं अल्लाह अकबर औखे औखे इम्तिहान हद मुक दी गई जिस 70 दे सैयदादे ने हुक्म दिते इन तमाम नबियों के बीचों एक बड़ा साबिर नबी गुजरिया अयूब अलैहिस्सलाम जिन्हां दी कबर ते आज भी मैं बोर्ड बहुत बड़ा लिखा पड़े अयूब साबिर नबी पर आखिरी दुनिया च जिस इस मजमून नूं मैं पढ़िया किसे भी नहीं पढ़िया बड़िया ने याद किया फिर रह गए हाँ हाँ अल्लाह अकबर तुहाडे घर दिया वतन है अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे ये नबी बड़ा रईस नबी होया बड़ा अमीर नबी होया इतना का अमीर नबी आई उस इलाके च वसन वाला हर बंदा नबी दी रईयत आई कोई जमीन ते कम करेंदा रैयत वसदी जेड़ा नबी दा माल आई 500 बंदा किबला उसनू चरावण आला मेहनत तेरे कोल मंगसा हाँ तुहाडे घर दा मेहनत अपनी जरूर मंगनी
और मेहनत का मुल जे तुहानू देना नहीं आता फिर आंदे किसे नूं। इस दे बावजूद नबी इबादत गुजार कितना हा, मेरी मजलस नूं तोली मैं तैनूं की दे के गया। अनाज पकदा किबला रैयत दरवाजे ते आंदी आई, दकल बाब बादशाह थोड़ा अनाज पक गया आओ वंड करिए। इबादत गुजार नबी कितना, नबी फरमावे ना तुसी मेरे नाल ज्यादती की, जिस दिता वह वेहदा खलोता वंड कर लैनी है, मेरा ले आना उस दे सामने अपना ले जाना। अल्लाह जिंदगी करे, अल्लाह जिंदगी करे जड़ी जुबान बुलंद। मेरा ले आना अपना ले जाना, कसीद्यां दी फैक्ट्री तशरीफ लाए आओ। अल्लाह दी जिंदगी करे जा। 9 बजे पढ़ना ठीक है, मेंबर से वादा ही ठीक। अल्लाह अकबर। घर विच कोई चंगी चीज होवे कदर करया करो, बाहरले छड़ जांदे घर आले फिर भी काम आ जांदे। घर आले काम आ। ते दूसरी बात है जिन्हों इमाम हुसैन इज्जत देवे वो दी करनी चाहिए। अजीम जुमला, अपना ले जाना तवज्जो है, मेरा ले आना। जिंदगी बोले तो मैं इस तरह का मुल नहीं मिलना। नबी फरमाया अगर तुसी ना आंदे, ए जेड़ा वक्त मेरा तुहाडे नाल गल्लां च गुजरिया है, काश ये भी मेरा ओदी इबादत च गुजरिया। हर बंदे नहीं बोलना, शाह जी मजमून की फरमाइश करके तो पर नहीं वेखी दा मैं। ला अनाम तो मैनू केड़ी भूल च फिर तुसी कदी नहीं आज तक दिता, तो जिन्हां दे बूहे ते सारी जिंदगी गुजर गई। अल्लाह जिंदगी करे सदा जियो। बादशाह हुसैन औलाद सादात दा लंगर चल रहा है, कायनात चुला दे रसूल दा लंगर चल रहा है। ये वक्री गल है, कोई सलवात पढ़ के खांदा है, कोई पौं के खांदा, खांदा सैयदां दा ही है। हाँ हाँ, खांदा सैयदां दा ही है, लंगर सैयदां दा ही है चलदा पिया। अल्लाह अकबर। एक दिन मलाइका बैठ के आपस में गल्लां पे करदे आ, अपने बंदे नू बेनियाज ने बहुत दिता, इबादत ना करे तो और के करे, भी दिता इतना कुछ है, कमी कोई नहीं किसे शायद। खालक फरमाया गल नहीं, वाकई दिता बहुत कुछ है, लेकिन वो इबादत मेरी इस वास्ते नहीं करेंदा जो मैं बहुत कुछ दिता। वो इबादत मेरी कर दे, वो जानता है लेके इबादत ही मैं छेते छेते सफर करी। बेनियाज यकीन है, वेखना चाहते हैं। खालिक फरमाया आओ भी खाओ, दसो किवें भी खाओ। रईसी च तेरे बंदे दी इबादत वेखी, ये सब कुछ अपना वापस लै। तंद कपड़े मुसल्ला ते नबी होवे, इतनी इबादत करे सा बरसड़े सा भला होवे भाई। बेनियाज ने अपने बंदे दा इम्तिहान शुरू किया, वो जितना माल तादाद मैं तेन दस गया, दो दिन च नबी दा मर गया। तेरा भला होवे, बहुत सोहना सुने रैयत आके दरवाजे तरुनी, कलेजा फटसी जिस बंदे ने मेरी मेहनत जाया की थी। नबी बाहर आके पूछा क्यों रोंदे हो, बादशाह समझ नहीं आई तेरा सारा माल मर गया। नबी फरमाया मैं भी तुहाडे नाल बैठ के इंज वैण करदा अगर ये माल मेरा होंदा। वसूल कर, मैं तैनु कुछ देंदा पिया, वसूल कर मेरे कोलो कुछ। मैं बिस्मिल्लाह कर, जे मेरा होंदा, जे मेरा होंदा, जिस दिता उस अपना एक नहीं वापस लवना, मैं ओदा शुक्रिया अदा करना, ओदे दित्ते माल च मैं खयानत नहीं की थी। हाय हाय,
मलाइका आख्या वाकई साबर है। आदल फरमाया गल नहीं छेड़नी, छेड़ी आओ अगे भी खावा। जितनिया जमीन जितने बागात कुछ शोले आग दे जमीन तू, कुछ शोले आसमान तू। कुरान पाक की तफसील पढ़ी, नबी दी हर छह जल के राख सुहा बन गई, रैयत आके दरवाजे ते रुनी। नबी फरमाया खैर है नहीं बादशाह, हद मुक गई, तेरी हर छह जल के राख हो गई। नबी फरमाया कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। जिंदगी बोले ते सत्तर दा मुल नहीं, नबी सजदे च झड़िया। जड़े इन्हें आख्या कुछ नहीं बचा, नबी सजदे च झड़ा और नबी सजदे च झड़ के जुमला आखा बेनियास अपने बंदे नू अज तक तैं जो दिता मैं इसका भी शुक्रिया अदा करना, अपना अज सारा वापस ले लिया ही मैं इसका भी शुक्रिया अदा करना। कोई है बैठा, कोई है बैठा जड़ा लफ्जों दे मुल्क ऐ मुकामे मजलस है किसी को समझ आ जाए। मलाइका आख्या वाके साबर, फरमाया गल ना छेड़नी, छेड़ी ने अगू भी खा। अल्लाह इम्तिहान दा बड़ा परचा तेज होया। कुछ मोर रखी ने शाजी बारह पुत्र लिखे, कई सोलह किसे अठारह जितने भी आए। इम्तिहान दा परचा इतना क तेज होया, नबी एक पुत्र नु दफना आंदा है तो दूसरे दा मैयत नबी दे सामने पे आए। बड़ी औखी गल है जवाना, हो बड़ी औखी गल, बड़ी औखी। आखिरी पुत्र नु नबी दफना के मुसल्ले ते आ बैठ और एक सत्तर एक जुमला नबी आख्या बेनियाज तेरे दिते हुए माल दे विचू ये मेरा बड़ा कीमती माल आई, इंदे देख भाल दे विच मेरा वक्त बड़ा लगता। जुमला सत्तर जाया ना करी, कदरदान बैठे हो, मेहनत परस्त लोग बैठे हो, बड़ा वक्त लगता। बेनियाज तेरी बड़ी मेहरबानी, मेरा ये भी वक्त चा बचाया ही। तेरी इबादत का लुत्फ होना सी, तुसी उस हो तो मैं हो सी। हाय हाय लाहौर वाले मजलस ही पूरी कर छे, पला होवे तुहाडा, पला होवे मजलस दी जीनत लो। हाय हाय नबी खुद बीमार, जेड़े चार टके इलाज ते घर बच्चे लग गए, तंद कपड़े मुसल्ला ते नबी, चार बीवियां त्रै कट्ठियां होके नबी दे कोल। नबी फरमाया खैर है, तुहाडे नाल गुजारा नहीं होंदा, अलहदगी चाहदियाँ। नबी फरमाया सज्जन आंदे ने वसदे आंदे, उजड़ां दा कौन आंदा है जा सकदी। त्रै कुड़ियां ते चौथी नू नबी सदाया, बीवी ना ते नाराजां तेरे ते राजियां, जा तू भी टुर जा। कदमां ते हाथ ला के आदि वे बादशाह जड़ियां टुर गईयां, हो रन मैं हो रहा केड़ा सोहना पे बोलेना है, केड़ी सोहनी इबादत पे करना है। वाह वाह मैं यूसुफ नबी दी पोत्रियां सैयदादे तो लेके भाई तो लेके आखिरी बंदे तक जिस सत्र जाया कीता उसमें ने मेरा कत्ल कीता, मैं सत्र च बहुत कुछ देन लगा। बीबी फरमाया वे बादशाह अपने आप तो जुदा न करी सी, मैं न करे सा, सौखी तेरे नाल गुजरी, औखी भी तेरे नाल ही गुजार सा। सत्तर मैं आखन लगा, फरमाया मैनू टोरी ना, टुरदे वेले जड़ा डोली उठी आई, मेरे प्यो ने इको गल मेरे नाल कीती आई, फरमाया पुत्र याद रखी नबी जेड़ी हालत च भी होवे ओ नबी होंदा है, नबी नू हिजियान नहीं होंदा। मजलस ही पूरी हो गई, जेड़े समझ गए हो समझ गए, जेड़े नहीं समझे मुकद्दर आई अपना। मैं बिस्मिल्लाह करा, नबी जेड़ी हालत च भी होवे मैं बिस्मिल्लाह करा, ओ नबी होंदा अपने तो जुदा ना करी। नबी फरमाया फिर नहीं वेंदी
मैं शोर होने के नाते तेनू हुक्म देना वो जड़िया तेरिया कनीजा तेरे दरवाजे ते मजदूरी कर दिया जी बादशाह जा उन्होंने बूहे ते तू मजदूरी मांग पलाओवे पांच सात मिनट और पढ़ना है किते वक्त च खड़ा करदा सही आजादा दे मजमून आखदा फिर मैं तन से आए अच्छा कनीजा दे बूहे ते बीबी आख्या माइया किसे बर्तन मंजवावने हो माँ कोई काम कार जेड़े घर दे आखो कर देनी आ बीबी आधी रात नू जड़ा घर वन्या अगर इस काम दी उजरत कुछ न दे सकदियां न दिती करो घर वन्या तो मैंने दो रोटियां दे दिती अल्लाह जो बेनियाज अच्छा चंद दिहाड़े सिलसिला चलिया उन्हां दे मर्दां नू पता लगा खत्म उन्हां घरों कुछ असे सुने अयूब नबी दी बीवी साढ़े घर जी काम कर दी कल तो ना आवे उन्हां के दो रोटियां फकीर नू बंदा नहीं देना अदा नहीं नबी नू बीमारी बड़ी औखी लगी रैयत आख रही है ये ना सवेरे जेड़े दरवाजे ते नबी दी बीवी मस्तूर अंबूए बंद कर ले मुक गई तमहीद शाम दे वेले वारिस को ला खली नबी फरमाया कुछ मिलिया नहीं वे बादशाह इम्तिहान दे परचे तेज हो गए वे बादशाह आज मेरिया कनीजा वेख बूए बंद कर ले नबी फरमाया ओ जाने जिमें ओ राजी ओ में असा राजी चांदी जवाना हो चांद रईस कट्ठे हो दरवाजे ते दकुल बाप कौन फलां फलां भाई किवें आयो फरमाया ए शहर छोड़ दे नबी फरमाया जेड़े पोतर सहारा देंदे आए सारे मर गए मैं तेरे मिजाज बड़े सोहने जानना मैं कोई नवा बंदा नहीं तेरे मिजाजा च लथन आलियां दो सत्रह पोतर मर गए बीमारी लग गई एक मेहरबानी करो ये रात मैंने इत्थे गुजारन लियो सवेरे आसो तो मैं तुहानु इत्थे ना मिल सा उन्हां क्या हुणे टुर नहीं तो गुस्ताखी करे सा नबी बीवी नू आख्या बीवी सहारा दे शाला किसे दी रैयत ना फिटे वाह वाह ऐ हकी जड़ा अदा हुण कीता ई ऐ हकी जड़ा अदा कीता ई जवानी अमाणे जी बाबा औलाद रसूल जो होयो जी बाबा बिस्मिल्लाह बीवी सहारा दिता नबी टुर पाए एक कदम चाहते हो जवाना हो सात वारी अपने घर नू वेदे एक कदम चाहते हैं सात वारी वेदे बीवी पूछया वे बादशाह टुरदा नहीं एक कदम चाह के कई वारी घर नू फरमाया बीवी मैं इत्थे वसदा रहा बीवी जिथे कोई वसिया होवे जा बड़ी प्यारी लगदी सदक वन्या ओ हुसैन तेरिया बहना तो जड़िया दरा दे वेले आधी आई नाना तेरा दीन बच पाए मैं धीया छोड़ के टुरी वही वाह 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 लो एक मैन सुन हिस्सा मिल गया ये हुई मजलस है सात आठ मील दूर शहर दे बार चार रस्ते अन किबला उत्ते खजूर दे पत्रां दी इक झोंपड़ी आई ए माल चरावण आलियां बनाई आई वो दोपहर दे वेले उथाई आण बांदे आन कोई खावण पीवण दा सामान झट सा कर दिया उत्ते बीबी ले आई रात गुजर गई शरीफां द्यों चढ़िया बीबी पुछिया वे बादशाह इत्थे तो हुण मजदूरी कोई नहीं सन देंदा ते मैं दसो तुसां फाके चो मैं किधे वञां नबी फरमाया बीवी है जेड़े चार रस्ते ओ जी जी इत्थे जाके बैठ जा बादशाह मैं पर्देदार हूं गल तो मैं मजलस दी जीनत लोगां च कर गया मैं बिस्मिल्लाह मुल पावण आले लोगां च कर गया मेहनत परस लोगां च कीती
मैं बिस्मिल्लाह कर बादशाह मैं पर्देदार हूँ उठा क्यों बन्या बीवी उतू ताजर लोग लंघ दे तजारत का समान लेके बेचन तो वेच के वापस अच्छा बादशाह हाँ तुसी उत्ते चले जाओ कोई काफिला लंघे तो फिर भीख मंग लेना चलो मेरा मुकद्दर जैसा नहीं सन फटे होया बुरका पैरी नाला इन कोई नहीं सैयद ते आख्या तो सत्र पढ़न लगा रस्ते ते आन के बीबी बह गई किबला एक काफिला लंघया सात मरतबा बीबी कोशिश की सवाल करा ऐ आवाज बाहर निकलदा ही नहीं पिया जेड़ा बंदा चुप बैठा है जो शरीफ जादी कदई गैर ते सवाल ना कीता होवे मैं बिस्मिल्ला करा मैं बिस्मिल्ला करा तेरे बच्चों की जिंदगी आखिर वो काफिले सालार सामने आया बीबी कंबदे हुए हाथ बुरके चंबाहर कड्डे और फरमाया काफिले वाले आओ मैं तुहाडे नबी दी बीवी हाँ ये अगे बात क्या था केड़े नबी दी बीवी बीवी आदि मैं अयूब नबी दी बीवी हाँ जल्दी नाल बोल के आदा है वो तो यूसुफ नबी दी पोतरी आई बीबी बड़ी छेती बोली है मैं ऊँ छेती इस वास्ते बोली जवानो मत बंदा मेरे प्यो नू जानदा होवे मैनु कोई शह देवे नबी फाके च बैठा है मैं नबी नू वंज देवा बीबी बड़ी जल्दी बोली मैं ऊँ आदा फिर मंग नहीं जे ऊँ है तो मैं सुनया यूसुफ नबी तो यूसुफ नबी दे खानदान दे वाल बड़े सोने आए भला होए जिना हाय की थी भला होए जिना हाय की थी जिंदगी होए जिना हाय की थी एडी सुन मैं सुनया है सुनहरी ते गुंडाले वाला अगर यूसुफ नबी दी पुत्री है ते मैनु सिर दे वाल विखा मग केड़ी शाय दी लोड़ाई मैं तेनु देवा बंदा वेखना है जंदा हाथ सीने ते ना आवे बीबी तड़प के उठी है हाथ जोड़ के आदि मैं शरीफ जादिया या जहरा या जहरा या जहरा मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा जवानी अमा फरमाया शरीफ शरीफ ते जे सवाल ना करें अगर जरूरी मेरे सिर दे वाल वेखने ए गल मैं नबी नू पूछी हुई कोई नहीं और सामने झोंपड़ी च नबी बैठे पूछिया वा इजाजत मिली उस फिर थोड़ा जा सिर आ वखे सा नबी दे पैरां दे पास नबी पुछिया बीवी कुछ मिलिया नहीं वे बादशाह इम्तिहान दे परचे बड़े तेज एक काफिला लंघिया है मैं सवाल कीता है उन्हें पुछिया है मैं दसिया है उते आदिया है ओ यूसुफ नबी दी पोतरी मैं दसिया है ऊआ उन्हें आख्या यूसुफ नबी ते उन्दे खानदान दे वाल बड़े सोने सुनहरी ते गुंडाले वाल जाकरी छोटे सागर मातम न करे उस आख्या सिर दे वाल विखा ते मग पुछनाइया आखे ते सिर दे वाल विखावा उस वेले नबी तड़प के उठिया आसमान दरवे क्या दा पुत्र मर गए मैं चुप रहा बीवी मजदूरी कर दी रही मैं चुप रहा अल्लाह अपना इम्तिहान बंद कर लाए मेरे नामूस दा मसला ही जी बाबा तेरी जवानी अकबर दा बाबा तेरा मातम कबूल मैं बिस्मिल्लाह करा जी सरदार दो मिनट और पढ़सा बस जी हिस्सा ही दे छोड़िया सिर्फ दो अकबर दा बाबा मातम सरदा कबूल फरमाए चिट्टी दाड़ी तेरे घर च रहमतां दे नज़ूल होवे लख वारी भी आखां आसमान दर वेख्या दा पुत्र मर गए चुप रहा बीवी मजदूरी कर दी रही मैं चुप रहा हुन ना मऊस दा मसला है आख्या आख सतर बर्दाश्त कर संगदा होवे ते करी अल्लाह जानदा है अकबर दे बाबे दी चौखड़ तो उठे उस वेले आ जिहड़ा खरा है ते मिल गई आई
खुदा जानदा है धिया लियो फरमाया इम्तिहान बंद कर ले मेरे नामूस दा मसला है बर्दाश्त नहीं होता शाला पढ़ना तू सुन ले उस वेले हाकम दी आवाज आई अयूब बड़ा साबिर आए लेकिन बीवी दे सिर दे वाल विखावण दा आख्या है तड़प के आदा इम्तिहान बंद कर ले फरमाया जिवें मेरे नाल होइए बेनियाज इंज किसे होर नाल हो सी फरमाया अयूब मैनू दस तेरी बीवी नू किसे पत्थर तो नहीं मारे तेरी बीवी दे सर तो किसे बदमाश बुरका तो नहीं लहाया जी बाबा जवानी क्या माण है अकबर दा बाबा इज्जत ज्यादा देवी मैं बिस्मिल्लाह करा जी आखिरी जुमला तफसीलन वत किसे वेले आखिरी जुमला सफर ढेर सारा है नाराज ना होना हिस्सा मिल गया तेरी बीवी दे सर तो किसे चादर त नहीं लहाई आखे आई सिर दे वाल विखा तड़प के आखे इम्तिहान बंद कर फरमाया बेनियाज मैनू दसो जिवें मेरे नाल होई इवें किसे होर नाल हो सी फरमाया गल छेड़ी आई ते याद रखी एक दिन आसी एक साबर मैं तैनू वखे सां जिहदियां बहणा दे वाल शराबियां च खुले हो से मैनू मजलूम दे छेकड़ी सजदे दी कसम ऐ जिहड़े वेले शाम दे सदर बाजार चली दी धी आई ऐ पंज लख बदमाश नचदा पिया कोई झुंबर पैदा कोई इशारे कर गया दा बागी दियां भैणा आ गईयां कोई आदा जिन्नू टुरन दा वल नहीं आंदा ऐ बागी दी वड्डी भैण बस बाबा बस बस वक्त है जाने मोमिनीन इकराम ये थे मलक अली अब्बास।